गाय ताजा बी एल बी एक काल का देख बच्चा इसके नीचे क्या है बच्चा वहाँ पर बना है ताजा बाछा है बाछा बछड़ा है ना दूध दूध का कुछ आइडिया दीजिए कितना दूध है दूध इसका मिलेगा हम झूठ सच नहीं बोलते हैं मेला में जी ये आपको 4 किलो दूध मिलेगा 4 किलो सुबह 4 किलो शाम हम लोग किसान आदमी हैं जी हाँ व्यापारी नहीं है कि बता दें 10 किलो और 5 किलो जी कीमत कितना रखें कीमत तो हम इसका हम मांगते हैं 45,000 लेकिन मेला है जो जितना देगा वही ना हम लोग देंगे धन का जो दाम लगेगा जी हमारे मांगने से तो मिलेगा नहीं ये नहीं हम कि इतना का उतना का जो धन होगा वो मिलेगा यानी कि 45,000 की कीमत में यह गाय है ना मांग रहे हैं 45,000 3 लीटर दूध कर देगी क्या नहीं 4 लीटर करती है 4 लीटर सुबह 4 लीटर शाम और दूहने में एकदम सीधा ठंडा है सीधा ठंडा गाय आप देहात का गाय है मेला वाली गाय नहीं है जी देसी गाय का दूध सबसे बढ़िया माना जाता है और इसीलिए बहुत से जो भाई लोग हैं जो अनुभवी लोग हैं वो अधिकतर देसी गाय ही रखना पसंद करते हैं और देसी गाय का दूध पीना तो देखिए आज के इस मंडी से चौसा मंडी बिहार में पड़ने वाला एक मंडी है और यहाँ से हम आज आप लोगों को देसी गाय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और देखिए भाई आप लोग के सामने तरह तरह की देसी गाय आप लोगों को दिख रही होगी और हमारा प्रयास यह है कि आप लोग इस बात को भली भांति से समझें कि देसी गाय रखना इस समय बहुत ही उचित हो गया है इस समय बहुत ही ज़रूरी हो गया है देसी गाय पालना क्योंकि आने वाला समय में एक ऐसा समय हो जाएगा कि हम अधिकतर ये देख रहे हैं कई जगह पर कि जर्सी पे लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ज़्यादा दूध होने की वजह से जर्सी और या चप ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग और लोगों में कुछ अज्ञानता है और यही कारण बन रहा है कि देसी गाय कम देखने को मिल रही है लोग इसको रखना नहीं पसंद कर रहे हैं क्योंकि इन सब गायों का थोड़ा दूध कम होता है जर्सी और या चप के मुकाबले लेकिन इसके महत्व को समझना आज के समय में बहुत ही ज़रूरी हो गया है इसलिए हमारा फोकस है खासकर देसी गाय का पालन और बढ़ावा पे और यही कारण है कि मैं आप लोगों को ये देसी गाय दिखा रहा हूँ और इसके महत्व को भी थोड़े बहुत बताने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आने वाले दिनों में अगर कोई देसी गाय रखेगा ही नहीं तो फिर ये नस्ल देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा कीमत कितना रखे हैं बस क्या मत कुछ कहो अरे कीमत बता दीजिए कितना रखे हैं बोल दीजिए कीमत अरे भर के चारी और हल्ला ही कीमत कितना रखे हैं बस क्या मत कुछ कहो अरे कीमत बता दीजिए कितना रखे हैं बोल दीजिए कीमत अरे भर के चारी और हल्ला ही सीधे
बचत से आ गया मगले बचत रह गया देसी गाय में 36 करोड़ देवताओं का वास रहता है, 24 घंटा जी। उसका गोबर, मूत्र, दूध जी, दही घी से पंचगव्य बनता है, वो पूजा पाठ में आता है, घर शुद्धि होती है। मनुष्य पीते हैं तो पंचगव्य, हाँ पंचगव्य मनुष्य जब पीते हैं जी, तो कौन तो सबसे असाध्य रोग है, असाध्य रोग मैंने नाम न कर दिया, असाध्य रोग घातक रोग भी आराम होता है जी। इसका महत्व ये है, और भी गाय में और ये गाय में अंतर। और देसी गाय पे विशेष करके फोकस हम कर रहे हैं अपने तरफ से, इसका बढ़ावा दे रहे हैं कि लोग अपना घरों में देसी गाय ही पाले। हाँ, देसी गाय से जिस घर में रहती है वहाँ लक्ष्मी के वास होते हैं हमेशा रहता है जी। गाय की स्मरण शक्ति यानी याददाश्त बहुत तेज होती है। हाँ, जहाँ खाली सब तहाँ कहीं तो दसों को पर आ रही है सन अपना खूटा पर जी, और भंसना आई है सर। चलो और चलो भैया लिया तू इधर इधर ले चलिए इधर। ले चलिए थोड़ा आगे चलाइए, बस 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 बांध बांध बांध। देखा कीमत कितना बतावा था? 2500 रुपया। 2500 कुछ हम छोड़ू देव कि का करो सर? वो कम में दे
100 बस कम। लड़ा अच्छा बांध दे वही मेरा काट दे।